राजनीतिकरण करने वाले हैं कांग्रेस। पीएसी के ड्राफ्ट रिपोर्ट जो 16 अप्रैल को ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था क्लासिफाइड मटेरियल के साथ भी, और पीएसी सदस्य हरेन के उनके अपने घर में डिलीवरी हुई रिपोर्ट का टाइम 12 दिन तक दिया है। इस पीएसी के स्टडी के मैटर इस पहले वाले पीएसी ही तय कर चुकी थी, इसीलिए इस बार डॉक्टर जोशी के चेयरमैनशिप में कंटेंट या पैराग्राफ या तो टॉपिक और टर्म्स ऑफ रेफरेंस कुछ तय नहीं हुआ, उससे पहले ही कर चुके थे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पीएसी को राजनीतिकरण करना छोड़िए। उस ड्राफ्ट रिपोर्ट में एक पार्टी का जिक्र नहीं है, एक व्यक्ति का भी जिक्र नहीं है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस के, फिनेंस मिनिस्टर के ऐसे पद को लेकर के ही रेफरेंस हुई है। इसीलिए इसको राजनीतिकरण करने वाले हैं कांग्रेस। वो पीएसी मीटिंग में आ जाएं और जो भी उनका मेंबर्स ड्यूटी और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के निर्भर करना है वो उधर करना है, बाहर आके मीडिया के सामने नहीं। थैंक यू। इसमें दो विषय आ रही है, एक है कि ऑक्शन करना चाहिए, ये रिकमेंडेशन फिनेंस मिनिस्टर से गया, उसको मिनिस्टर राजा ने माना नहीं है, और जो रिप्ले गया है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से वो स्पेक्ट्रम एलोकेशन होने के बाद गया है, होने के बाद जाने में उससे जो दिक्कत आता है वो समझकर शायद फिनेंस मिनिस्टर उसको ख़त्म करने के लिए रिकमेंडेशन भी दे चुके हैं। ये सब गलत है। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के ऊपर इस रिपोर्ट में क्लियर स्टेटमेंट है कि वो दूर रहना चाह रहे थे जो भी होने देने के लिए। ये सब विषय अभी पीएसी में आज भी चर्चा में आएगी, देख लेंगे कि क्या निष्कर्ष।